0.875 ठीक है, इसको 10 दफा बोल लो, 0.875 जो होती है वो ग्लूकोज टू सीओ टू एंड एच टू के साथ उसकी वैल्यू होती है 0.875, 0.875। अच्छा जी, हाइपरक्लीमिया जो होता है वो एसोसिएटेड किसके साथ होता है? जो अपर वाले होते हैं वो स्पास्टिक होते हैं, जो लोअर वाले होते हैं वो फ्लैसिड होते हैं, ठीक है। तो हाइपरक्लीमिया जो होता है वो फ्लैसिड पैरालिसिस यानी लोअर मोटर न्यूरॉन लाइक के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद आ गया आइसोनियाज़िड रिफैम्पिसिन पाइरिज़िनामाइड लेयर है, ठीक है। और फिर डीरेंज एलएफटीज आ गए, तो आप क्या करो, आप सारी स्टॉप कर दो और रीइंट्रोड्यूस करो वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग। रैट बाइट कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मेंस, मोनाल वाले मोनिलीफॉर्मेंस, ठीक है, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मेंस। अच्छा, रैट बाइट मोनाल में चूहे। चलो, चाइल्ड बर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्लॉटिंग और चाइल्ड बर्थ, ये दो चीजें पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल है। क्लॉटिंग को हीमोस्टेसिस भी कहते हैं, लेकिन जो होमियोस्टेसिस है ना वो होता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो जो मेंटेन हो रहा होता है, तो वो जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल है। सीओ टू ट्रांसपोर्ट भी नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल है। ओके जी, ओके जी। उसके बाद आ गया पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ रीगर्जिटेशन, चेस्ट पेन, पार्शियली रिलीव, तो ये गर्ड की बात कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बेड हेड साइड, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे? फैटी फैटी डाइट को डिक्रीज करो प्लीज, ठीक है। और ग्रीनिश डिस्चार्ज किसमें था? सब सोडो, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कट रिसेक्टेड हो गया ड्यू टू क्रॉन्स डिजीज प्रेजेंट विद हाइपर ऑक्सल यूरिया, द कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज इंक्रीज ऑक्सलेट अब्सॉर्प्शन फ्रॉम गट, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सलेट अब्सॉर्प्शन फ्रॉम गट। अगर नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली बाइल एसिड्स क्या करते हैं, ये फैट्स को अब्सॉर्ब करते हैं आईलियम में। अगर आईलियम की रिसेक्शन हो गई, आईलियम रिसेक्शन हो गई, तो बाइल एसिड्स जो हैं वो फैट्स को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। बाइल एसिड्स जो हैं वो आईलियम के अंदर होते हैं ना, तो अब्सॉर्ब करते हैं फैट्स को। अगर आईलियम को रिसेक्ट कर दो, ठीक है, तो बाइल एसिड्स नहीं होंगे, फैट्स की अब्सॉर्प्शन नहीं होगी। जब फैट्स की अब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो जो अवेलेबल फैट्स हैं, वो बाइंड कर देंगे ऑलरेडी अवेलेबल कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो जाएगी, विच इज लेस अवेलेबल टू बाइंड विद ऑक्सलेट, ठीक है। तो कैल्शियम ने बेसिकली ऑक्सलेट के साथ बाइंड करना था, जबकि आपका जो आइलियल रिसेक्शन में फैट्स जो हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो वो जो है वो बाइंड कर जाएंगे उस कैल्शियम के साथ जिसने ऑक्सलेट के साथ बाइंड करना था, और उसकी वजह से हाइपर ऑक्सल यूरिया होगा जी, ठीक है। हायर अब्सॉर्प्शन ऑफ दिस कैल्शियम फ्री ऑक्सलेट इन इंटेस्टाइन कॉजिंग ऑक्सलेट स्टोन्स, तो इंक्रीज ऑक्सलेट अब्सॉर्प्शन फ्रॉम गट होगी, इंक्रीज ऑक्सलेट अब्सॉर्प्शन फ्रॉम गट होगी बिकॉज ऑक्सलेट फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा, वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा बिकॉज कैल्शियम फैटी एसिड्स के साथ मिलके बैठ गई है, ठीक है। कैल्शियम ने डिच करवा दिया, कैल्शियम इसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या उसका नाम है, ऑक्सलेट की, लेकिन इसने डिच करवा दिया और ये उसके साथ पेयर बना के बैठ गई। चलो जी, फिंगर इंजरी विच एक्टिवेट्स काइनिन एंड कोगुलेशन बाय विच फैक्टर, ठीक है। तो फिंगर इंजरी होगी है जो इसने काइनिन और कोगुलेशन को एक्टिवेट किया, तो वो कौन से फैक्टर से होगी? वो हेगमैन फैक्टर 12, सबसे बड़ा फैक्टर जो है हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12 की वजह से। और वो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो हमारे सीरम में होता है? एस से सीरम, एस से 7, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है वो सीरम में होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, और 13 भी कुछ होता है लेकिन 8 मेनली होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया 5 इयर्स ओल्ड मेल विद प्रेजेंटेड विद एपिस्टेक्सिस गम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग टाइम मोर देन 20 मिनट्स, दैट मींस ब्लीडिंग टाइम इज ज्यादा, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड एपिडिटी, एपिडिटी भी ज्यादा, तो ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज होगा। कोविड-19 की जो इम्यूनिटी है और ट्यूमर सेल्स, वो कौन से, किस सेल्स के थ्रू होती है? नेचुरल किलर सेल्स। और इसका हमने वो कल सार्स टाइप 2 भी पढ़ा था, कोविड-19 का कोई वो उसने टाइप पूछी हुई थी, तो वो SARS-2 थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज, ठीक है, तो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, तो सिंथेसिस में जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडाइड, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडाइड, ठीक है। तो इसका किसी ने कोई फिट निमोनिक बनाया हुआ है, किसी ने कोई बिट निमोनिक बनाया हुआ है, जो भी बनाया हुआ है उस निमोनिक के मुताबिक इसको याद कर लें, ठीक है। तो सिंथेसिस में बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, उसके बाद आ गया जिसने जो जो निमोनिक बनाया है इसका, वो इसमें चैट बॉक्स में शेयर कर दे। अच्छा, उसके बाद आ गया फीमेल विद शॉर्ट स्टेचर, हैंड्स, वोलन नेक, एमेनोरिया एंड एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिट, ठीक है जी, फिट फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, फॉर्मेशन में थायराइड हार्मोन बाइंडिंग होती है। अच्छा, सुई फिट, सुई सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडाइड, हाँ जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला, SOB, SOB,
ठीक है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को मैंने बताया था एसओबी, सांस बंद होना, हाँ जी एसओबी, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन, और बी फॉर बाइंडिंग, एसओबी फॉर्मेशन, एसओबी फॉर्मेशन था टोटल ना, एसओबी फॉर्मेशन, ठीक है, एसओबी फॉर्मेशन, ताकि पेपर में ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर लाइकली कैरियोटाइप इसकी क्या होगी, 45X0 हो गई जी। क्वालिटेटिव चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, चेंज की अगर वो बात करे तो म्यूटेशन होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी, और अगर वो करे इंक्रीज तो वो एम्पलीफिकेशन होगी। बोन स्कैन नेसेसरी फॉर बोन स्कैन रेटिनोब्लास्टोमा के लिए वो कह देता है नेसेसरी है जी। एवी जो होता है वो एवीएम इंट्रासेलुलरी होता है, ये किस में होता है जी, होमोसेक्सुअल एचआईवी पॉजिटिव है और फीवर का एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कौन सा होगा, तो एवी वाला एटिपिकल होगा, एमएवीएम इंट्रासेलुलरी। डिसओरिएंटेड है पेशेंट जो है, और इसमें फ्रैंक पेन है, वॉमिटिंग है, आप एक्यूट अपेंडिसाइटिस कर रहे हो तो उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, तो आप कंसेंट किससे लोगे, तो आप क्या करोगे, टेक कंसेंट फ्रॉम वाइफ। बी सेल मार्कर्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन इन ट्यूमर, CD19 होते हैं जी, CD19, CD125 जो होते हैं वो ओवेरियन के लिए होते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आ गया नॉन प्रोडक्टिव कफ है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। स्मोकर है, नाउ प्रेजेंटेड विद ब्लड स्टिक स्प्यूटम, लेफ्ट लंग में 5 सेंटीमीटर हाइलर मास है, स्प्यूटम शोस हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक सेल्स विद स्कैंटी साइटोप्लाज्म, कॉज ऑफ दिस कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो अब इसने इसमें नॉन स्मोकर बता दिया है तो रोडॉन एक्सपोजर होगा। रिगार्डिंग द ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी, तो मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग क्या होगी, FEV1 ओवर FVC लेस देन 75%, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विद डिक्रीज ऑक्सीडेशन रिटेंशन ऑफ CO2, हाइपर इन्फ्लेमेशन, एक्सरेज डायग्नोसिस अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह और रिटेंशन ऑफ CO2 एम्फाइजीमा में होती है, प्रोटीज एंटी प्रोटीज वाला सिस्टम होता है और इसमें ये होता है, और बैरल शेप चेस्ट भी एम्फाइजीमा में होती है। गैस्ट्रिक कंटेंट इन सुपाइन पोजीशन तो विल लॉज इन, तो गैस्ट्रिक कंटेंट अगर सुपाइन पोजीशन में होगा तो राइट लोअर लोब तो हम सबको याद हो गया RLB, राइट लोअर लोब में तो जानी है, राइट लोअर लोब RLB में तो जानी है, ठीक है। लेकिन 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 अगर राइट लोअर लोब की तो कौन से इस तरह अगर वो होगा, यानी सुपाइन पोजीशन होगी तो वो जाएगी एपिकल सेगमेंट में, लेकिन अगर वो बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा स्टैंडिंग पोजिशन में या सिटिंग पोजिशन में, वो जाएगी पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से और पोस्टीरियरली चली जाएगी, ठीक है। चलो ओके हो गया जी। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज हेड क्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइड इफेक्ट जो है हेड क्वार्टर, एच फॉर हेपरिन, क्वार्टर फॉर क्यूनिडीन, ठीक है, थ्रोम्बो का टी फॉर थायसाइड, और थ्रोम्बोसाइटो का सी फॉर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। और क्लोरमफेनिकोल जो होती है वो सिंड्रोम भी करती है, कौन सा सिंड्रोम था, वेनको रेड, रेड वैन, वो रेड मैन सिंड्रोम करती है, और जो आम आदमी वाली जो बेबी सिंड्रोम, ग्रे मैन सिंड्रोम है वो करता है माइड्रोन आम आदमी, और जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो क्लोरमफेनिकोल। ग्रे मैन सिंड्रोम जो है वो आम आदमी, ग्रे मैन होता है आम आदमी, अमाइड्रोन। Hostilites after sexual contact develop sores on genitals and palms, holes, what is the likely organism? ठीक है, तो likely treatment. तो ये बेसिकली सोल्स, ये जेनिटल, ये सिफिलिस हो सकता है, और इसमें जो ट्रीटमेंट वो कहेगा जी कि वो हम पेंसिलिन देंगे। रीनल पार्ट विच रन फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू मेडुला बिटवीन रीनल कॉलम, हमेशा बिटवीन रीनल कॉलम जो है वो रीनल पिरामिड होगा, ठीक है। और इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो होगी इंटरलोबार कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की होती है, इंटरलोब्यूलर, ठीक है। उसके बाद ब्लिस्टर टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन डर्मिस और एपिडर्मिस वो सीरियस होगा, अप आर्टेरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू, ठीक है। अप आर्टेरियल ब्रोंकस का मतलब क्या है, अप आर्टेरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू, एप का मतलब क्या है, ऊपर, आर्टेरियल का मतलब क्या है, आर्टरी, यानी आर्टरी के ऊपर वाली जो चीज है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो किसको सप्लाई करेगा, राइट मेन ब्रोंकस, ठीक है, राइट मेन ब्रोंकस, एप आर्टेरियल ब्रोंकस जो होता है वो सप्लाई करता है राइट मेन ब्रोंकस। डाइजीपाम ओवरडोज का एंटीडोट क्या होता है, तो आपने उसको डाइजीपाम को नील करना है, तो आप किससे करोगे, ठीक है, मेजिनिल, फ्लूमेजिनिल, नील करना है तो फ्लूमेजिनिल, निल करना है यानी एंटीडोट देना है डाइजीपाम का, तो फ्लूमेजिनिल, ठीक है। और एसिड फॉर एसिड, जो एसिड अमिनोफिन है उसके लिए एन-एसिटाइलसिस्टीन देते हैं, और जो एस्पिरिन है उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, उसके बाद उसने कहा जी लेस प्रोटीन है, लेस उसमें वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो सारी चीजें लेस हो तो वो ट्रांसमिटेटिव फ्लूड होता है, और अगर एक्स्ट्रा हो तो वैक्यूलेटिव होता है। Patient having portal hypertension presents with esophageal varices having bleeding, which vessel is involved? Left gastric vein होगी जो involved, ठीक है। Parkinson disease में treatment क्या होता है, आप dopamine like होती है ना levodopa, तो आप levodopa start करो, ठीक है,
अर्ली, क्योंकि ये डोपामिन लाइक है ना, तो डोपामिन जो होते हैं वो प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करते हैं, तो आप लिवोडोपा को स्टार्ट करो अर्ली तो डिक्रीज प्रोलैक्टिन, ठीक है। ओनली सेंसरी सप्लाई टू ब्रेन इज व्हाट, ऑप्टिक, ओनली सेंसरी सप्लाई टू ब्रेन इज ऑप्टिक, बट जो थैलमस में रिले नहीं करती वो ऑल्फैक्टरी, और उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो रैपिड अडॉप्टिंग है। मैंने बताया था हम सायों के स्मेल हमें जल्दी से आ जाती है खाने की। स्केमोकुलमनर एपिथेलियम 3 सेंटीमीटर अबाव, तो वो बैरेट ऑसोफेगस होगा, 1 to 2 नॉर्मल वेरियंट होता है जी। ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अपर लिम फॉर 3 months, फील पेन टेंडरनेस स्वेलिंग, स्वेलिंग इज ब्राइट आफ्टर 1 year, तो वो मेटाप्लेजिया होगा, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस की ये बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सीक्रेट एंजाइम टू नॉर्मलाइज बीपी, तो नॉर्मलाइज बीपी करने के लिए कौन सी चीज जो है वो एंजाइम रिलीज कर रही होती है, वो जीजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जी। पेज नंबर 41, एमसीक्यू नंबर 37, पर्सन गॉट एक्सिलरी इंजरी व्हिच मसल विल बी स्पेयर्ड इन CAT1, ठीक है, तो अल्नर नर्व में कौन सा मसल जो है वो स्पेयर्ड होगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जबकि प्रोफंडस को तो डेफिनेटली वो हाइब्रिड मसल, उसको दोनों की सप्लाई होती है, मीडियन और अल्नर दोनों की होती है, ठीक है, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 20 years ओल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद आफ्टर मील्स ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस, ठीक है, तो इसमें आप क्या दोगे, प्रोकाइनेटिक्स, अच्छा, डायबिटिक न्यूरो में देंगे कोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन, और जो डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस है ना बच्चों, उसमें प्रोकाइनेटिक्स या मीटोक्लोप्रामाइड देंगे। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है वो VIP, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो होता है उससे अफेक्ट होगी। सलाइवा सिक्रीट होता है VIP, और एरिथ्रोमाइसिन जो होती है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है, मुंह लाल से। ओपीआइड इंड्यूस वॉमिटिंग थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू होती है जी। रनिंग एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ स्टमक, वो कौन सी आर्टरी होती है, डॉक्टर सबा किल्स द पेशेंट, सो स्कार्सली स्प्लेनिक आर्टरी होती है। अच्छा, उसके बाद ओ नेगेटिव ट्रांसफ्यूज्ड विद AB पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, RBCs जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, इसको कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। टेम्पोरेलिस की इंसर्शन कहाँ होती है, टेम्पोरेलिस टेम्पल, टेम्पोरेलिस क्या है, टेम्पल, और टेम्पल क्या है, टेम्पल पे कौआ बैठा हुआ है, ठीक है, तो टेम्पोरेलिस जो है टेम्पल है, टेम्पोरेलिस की इंसर्शन कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मेंडिबल पे होगी, और उसका एंगल मैस है, तो जो मैसेटर है वो एंगल ऑफ मेंडिबल पे लगेगा, प्लीज रिमेम्बर दिस, प्लीज रिमेम्बर दिस, ठीक है। और मैंने फिर शोल्डर वाले वो लिगामेंट भी याद कराया था कि वो जो कौआ है वो इधर आ गया, तो क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट डैमेज होगा जब शोल्डर की डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रही होती है। इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया इज बाय पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, फीमर के साथ उसका इनवर्स लेशन होता है, टिबिया के साथ डायरेक्ट लेशन होता है। अबाउट कार्टिलेज व्हाट इज ट्रू, अब अपोजिशनल ग्रोथ होती है, ठीक है, अपोजिशनल मैंने बताया था क्यों हो रही होती है, ठीक है। स्टर्नल एंगल एट विच वर्टिब्रा लेवल, तो स्टर्नल एंगल होता है T4 T5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर, BCC दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, एम्ब्लियोब्लास्टोमा, मोस्ट अग्रेसिव ट्यूमर कौन सा होता है, मेलानोमा, एक्स इसका निमोनिक है। उसके बाद आ गया जी हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, और इसके साथ क्या फीचर होगा, BPH, बी फॉर व्हाट, ब्रेडिकार्डिया, पी फॉर व्हाट, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एच फॉर व्हाट, हाइपरटेंशन, ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। एथलीट में इंक्रीज क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है जी एथलीट में ना। उसके बाद आ गया एट द एंड ऑफ मैराथन रेस अ पर्सन हैज व्हाट, हाई ग्लूकागोन लो इंसुलिन, ये अब सबको याद हो गया होगा क्यों होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर, अब ये कंफ्यूज आप लोगों को चीज करती है कि मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर ऑफ CNS आर, ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट सेल मैंने कहा वो GP निमोनिक है, वो फॉर व्हाट, व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर, अच्छा, ओ फॉर व्हाट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो अगर वो पूछे कि व्हाइट मैटर जो होते हैं ग्लायल सेल्स कौन से हैं, तो वो होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो GP। अगर वो पूछे कि मोस्ट न्यूमरेट एस्ट्रोसाइट्स इन ग्रे मैटर, वो होंगे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। लेकिन अगर वो पूछे कि व्हाइट मैटर में एस्ट्रोसाइट्स कौन से हैं, तो वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, ठीक है।